नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। वैश्यपान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं देश दुनिया व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वृंदावन में तीर्थ पुरोहित नगर पालिका चौराहे पर पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन। तीर्थ पुरोहित में यह आक्रोश आगरा में रविवार को दिए गए बयान के मथुरा के पंडों पर कसी जाएगी नकेल को लेकर छाया हुआ है। सोहना कस्बे के वार्ड नंबर 19 में स्थित नगर परिषद विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत वार्ड वासियों विनोद, पवन, राजदेवी, राधा, संगीता सहित अन्य लोगों ने नगर परिषद विभाग को लिखित शिकायत देकर भूमि को कब्जा मुक्त किए जाने की गुहार लगाई है। वार्ड के लोगों का कहना है कि ये भूमि सरकारी है, जिसकी मालिक नगर परिषद विभाग है। वहीं सोहना नगर परिषद विभाग के बिल्डिंग इंस्पेक्टर प्रदीप कादियान का कहना है कि लोगों की लिखित शिकायत मिल चुकी है और अवैध निर्माण को रोकने में कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक पुलिस कर्मी भी है। ये दुर्घटना रांची से लगभग 190 किलोमीटर दूर जलकडीहा गांव में हुआ। बता दें, पुलिस उप निरीक्षक महेश वर्मा अपने परिवार के साथ शादी से लौट रहे थे, तभी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। माना जा रहा है कि चालक को गाड़ी चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके कारण कार पेड़ से टकरा गई। चालक सहित 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेट्रोल पंपों में पकड़ी जा रही इलेक्ट्रॉनिक चिप सप्लाई करने वाले को एसटीएफ ने राजधानी के पारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। एसटीएफ अधिकारी के मुताबिक आरोपी पेट्रोल पंप मशीनों की मरम्मत का काम करने वाली मिडिगो कंपनी में टेक्नीशियन है। बता दें, पुलिस जांच से पता चला है कि आरोपी चिप सप्लाई करने वाले गिरोह का सरगना है और उसके तार मुंबई तक जुड़े हैं। दूरसंचार नियामक ट्राई इसी महीने से मोबाइल ऑपरेटरों की सेवा, गुणवत्ता और कॉल ड्रॉप मामलों की स्वतंत्र तौर पर जांच की शुरुआत कर सकता है। बता दें, मिली रिपोर्ट के मुताबिक ये काम 5 महीने से अधिक के अंतराल के बाद फिर से शुरू होगा। दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने कैब बुकिंग कंपनी ओला के साथ की साझेदारी। बता दें, साझेदारी के तहत एयरटेल पेमेंट बैंक ग्राहकों को यात्रा के किराए के भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ओला ऐप के साथ तालमेल कायम करेगी। इसी तरह ओला मनी का माय एयरटेल ऐप और एयरटेल की वेबसाइट के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि एयरटेल प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच कनेक्शनों के लिए रिचार्ज और बिल भुगतान किया जा सके। शेयर बाजार में आज फिर तेजी देखने को मिली। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 78.58 अंक चढ़कर 30,004.73 के स्तर पर खुला और निफ्टी 14.80 अंक के साथ 9,328.85 के स्तर पर रहा। विमान कंपनी इंडिगो ने ग्राहकों को दिया समर स्पेशल ऑफर। ऑफर के तहत महज 899 रुपए, जो सभी कर समेत है। बता दें, इसकी शुरुआती कीमत में आप हवाई सफर का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके लिए 8 से 10 मई के बीच टिकट की बुकिंग की जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल के खुदरा मूल्यों का रोजाना संशोधन करने के सरकार के फैसले से तेल कंपनियों के मार्जिन में सुधार और उन्हें अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। बता दें, सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना आधार पर तय करने के लिए देश के 5 नगरों में इसकी परीक्षण के तौर पर शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2017-18 में 7.2% और 2018-19 में 7.7% रहने का अनुमान लगाया है। IMF ने कहा कि नोटबंदी के झटकों के बाद भारत आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर दोबारा आने को तैयार है। के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वैश्यपान न्यूज। नमस्कार।